एक्सेल डे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कोविड के ऊपर, मतलब कोविड कैसे हुआ सब पे नहीं, उससे अलावा हम कोविड में जो आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है उसके ऊपर। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत लोग डर रहे हैं यूज़ करने का, तो और बहुत लोग का मतलब इतना ये बजट नहीं होता कि वो नया कोई गाड़ी खरीदे। तो सेकेंड हैंड मार्केट अभी फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो BS4 Ntorq बेस्ट सेकेंड हैंड गाड़ी की है, ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इसका और मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये जो मॉडल है वो नए एक्टिवा से भी बहुत अच्छा है। तो जब भी गाड़ी इनकी है, I am Manish Kadar and this is 2019 TVS Ntorq and I am okay. कितना किलोमीटर चला गाड़ी? ये 3000। 3000 वो तो कोविड के वजह से और बंद ही रहेगा ना गाड़ी बीच में। और अपना नया कितने में खरीदा था? मैंने खरीदा था ऑन रोड 80 हो गया था, 85 के मतलब ऑलमोस्ट 90 तक गया था। अभी डिप्रेशन होकर गाड़ी में तो देखा कल इंटरनेट पे, तो मेरे को अराउंड 50-60 तक मिल रहा है। मतलब अभी जो अभी और BS6 का जो इसका मॉडल, इसका प्राइस 1 लाख तक जा रहा है ना, और BS6 के नॉर्म्स के वैसे प्राइस बढ़ के। तो उसमें चेंजेस क्या दोनों मॉडल में BS6 और इसके? LED हेडलाइट है, फुल LED ये ओके बस उतना ही। हाँ मैंने देखा पावर फिगर सेम ही है, 9.8 और 10-11 का, बस उतना ही। तो ये है गाड़ी कैसा चाबी, अभी सबका कॉमन ही होगा। तो दिखते डिक्की कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, मतलब ऐसा वाइड है आपका छोटा लैपटॉप है, लैपटॉप का बैग इसमें ले सकता छोटा। छपरी कभी नहीं सुधरेंगे, कोई नहीं, चलो लैपटॉप का बैग ही ले सकता छोटा। यहाँ पे आपको एक USB चार्जर मिलता है, अंदर एक लाइट है, ये आपका फ्यूल फिलिंग है बैग, बहुत अच्छा फ्यूल फिलिंग सिस्टम दिया है TVS ने। यहाँ पे ऐसा फ्यूल फिलिंग है, ये साइड किया तो फ्यूल है, उस दूसरी साइड किया तो अपना डिक्की है। ठीक है चलें इसका स्टार्टअप देखते हैं। गाड़ी बहुत लाइट वेट फील होती है, इसमें एक अच्छा फीचर दिया इंजन किल स्विच दिया है, ये आपको मेन लाइट चालू होता है और इससे आपका बस LED DRL चालू रहता है। ये पास अप डाउन, ये पास स्विच है, ये इंडिकेटर लेफ्ट राइट है, पीछे गाड़ी का हॉर्न बहुत लाउड है। तो चलिए टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं गाड़ी का। एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए, गाड़ी का सीटिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है एकदम, मतलब पैर भी मेरे कंफर्टेबल है, सीट बहुत सॉफ्ट है गाड़ी का। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको, यहाँ पे आपका स्पीडो है बहुत क्लियरली विजिबल, टाइम है, ये ट्रिप है गाड़ी का, ये इंजन का कितना हीट है आपका वो, और ये फ्यूल गेज, ये अपर डिपर है, मेरे दिन का टाइम मतलब इतना फ़र्क नहीं समझेगा। ये हॉर्न है, आगे डिस्क ब्रेक मिलता है गाड़ी में आपको, विजिबिलिटी बहुत अच्छा है मिरर का। यहाँ पे दो मोड आते हैं, मतलब नॉर्मली चलाऊंगी ये गाड़ी को तो ये इको मोड में रहता है, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, पर अगर मैं गाड़ी को रेव किया फुल तो स्पोर्ट्स मोड में चल जाता है, मतलब इंजिन पे आप हाँ प्रेशर आ रहा है उसको फील होता है। ठीक है गाड़ी जल्दी अच्छे से ब्रेक हो जाती है, नो इश्यूज। फ्रंट ब्रेक देखते हैं अपन, बहुत मस्त बाइक है गाड़ी का, कोई इश्यूज नहीं गाड़ी में। सस्पेंशन भी थोड़ा स्टिफ साइड पे है, तो सस्पेंशन गाड़ी का थोड़ा सा स्टिफ साइड पे है क्योंकि ये गाड़ी जो है परफॉर्मेंस के लिए बनी है, हैंडलिंग के लिए बनी है। जब इसको गाड़ी को आप कोई भी ऐसा कॉर्नर्स पे लेके जाओगे तो आपको कुछ ऐसा
फिल्म नहीं होगा कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, नहीं मेरे को गाड़ी धकेलने वाली है साइड में, वैसा आपको कुछ फील नहीं होगा। गाड़ी बहुत प्लांटेड लगती है रोड पे, एकदम मस्त स्मूथ ड्राइव है और ऐसा वाइब्रेशंस भी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नीचे आते कुछ स्कूटर्स में आते ना एक सर्टन RPM पे हो तो नीचे फुटबैक पे वाइब्रेशन ऐसा कुछ नहीं, सॉफ्ट है थोड़ा, बस सस्पेंशन हार्ड है नॉर्मल, मतलब एकदम भी नहीं एक्सेस सर एक्टिव ऐसा सॉफ्टवेयर उतना नहीं है, थोड़ा सा स्टिफर साइड पे क्योंकि इसका हैंडलिंग बहुत अच्छा है उस हिसाब से। और एक मेन की फीचर जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, किल स्विच जो गाड़ी बंद, गाड़ी बंद हो जाती है ये करने से, ये किए तो अब गाड़ी चालू। ये स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में आपको बहुत यूज़ होगा, बहुत मतलब बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो इस टॉप किल स्विच के ऑप्शन को, बहुत अच्छा है ये। और ये रहा बहुत अच्छे से गाड़ी का पिकअप भी बहुत अच्छा है, गाड़ी पर आपको धकल देती है मतलब जाओ जस्ट फुल सेंड होता है गाड़ी में, ब्रेक्स अच्छे हैं, मिरर अच्छे दिए, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है। स्टॉप हो गया मैं अभी बस खत्म, इतना ही करना है इस गाड़ी में आपको। गाड़ी लुक वाइज भी मतलब नोटिस होती है गाड़ी दूर से, कुछ अच्छा हैवी चला रहे हो आप ऐसा फील होता है, वो पावर कमी नहीं होती। इसका टॉप स्पीड आपको 9500 मिल जाएगा, क्रूजिंग स्पीड अराउंड 85-90 है, आराम से इसको आप चला सकते हो स्पीड पे, कोई इश्यूज नहीं है आपको। फ्यूल टैंक का जो फिलर है वो पीछे देखे बहुत अच्छी बात की है कि आपको जो है बार बार डिक्की खोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर वहाँ पे दे देते तो बात अच्छी है, पर ये लास्ट जनरेशन का मॉडल है, कोई डाउट्स नहीं है। ये आपको यहाँ पे हुक मिलता है कुछ सामान रखने के लिए, वो एक अच्छी बात है। और लगेज स्पेस ओके है, एडिक्वेट है, इतना भी ये नहीं है, यूज़ कर सकते हो डेली के। अभी जो रूटीन है आपका चालू, अभी समझो आप रहते हो हेडकोपर साइड और आपको जाना रहता है ऑफिस फोर्ट साइड, तो हाँ ट्रैफिक रहता है रोड पे, भले सोशल डिस्टेंस चालू है ट्रैफिक होगा ही रोड पे, तो आपको बस से जाने से अच्छा खुद की गाड़ी से जाना बहुत ही सेफ है। तो आप सेकेंड मार्केट में गाड़ी अच्छे से ले सकते हो, मतलब ले ही सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है गाड़ी में, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कुछ एंट्रॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो भी मेरे को बोल देना, मैं उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दूँगा। चलिए एक फ्लाई बाय देखते हैं इस गाड़ी का और फिर वीडियो समाप्त करते हैं। ये रिक्शा वाला आ गया, बीच में जा भाई जा, गाड़ी मस्त लगती है पीछे से भी, एरोडायनामिक भी अच्छा खासा, क्रूजिंग स्पीड में मिल जाता है गाड़ी को, ऐसा नहीं कि कुछ इश्यूज है गाड़ी में। कलर भी बहुत, अभी तो नए मॉडल में तो दो तीन नए कलर आए, येल्लो आया, रेड आया, पर मेरे को पर्सनली ये ब्लैक जो स्टील डार्क ब्लैक कलर है ये थोड़ा वो बहुत पसंद आता है।